टॉपिक उठाएंगे, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। आपके मॉड्यूल में इसके नाम से दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, नाम इतना बड़ा है, टॉपिक बहुत इतना ही छोटा है। सपोज कोई भी प्रोसेस हो रहा है, एक इनिशियल सिचुएशन है ए, एक फाइनल सिचुएशन है बी, ठीक है। इसका या तो एक तो सीधा सा पाथ है कि हम ए से निकलें और सीधा बी में एंट्री मारें, एक पाथ तो ये हो गया, लेट इट बी पाथ नंबर वन, ठीक है। अब क्या होगा, हो सकता है कोई और भी पाथ पॉसिबल हो कि मैं ए से किसी और सिचुएशन पे जाऊं और वहां से फिर बी पे पहुंचूं। तो इसका मतलब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, क्या कि ए से सी पे गया और फिर सी से बी पे आया, तो दिस बिकम्स पाथ नंबर टू। मतलब इसमें क्या हुआ कि ए से बी पे डायरेक्टली ना जाके किसी और पाथ के थ्रू मैं बी पे पहुंचाऊं। सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि पहले मैं डी पे जाऊं, फिर ई पे जाऊं और फिर बी पे पहुंचूं, तो दिस बिकम्स पाथ नंबर थ्री। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस चीज़ से ये समझ में आता है कि हाँ, एक रिएक्शन के लिए या फिर एक प्रोसेस के लिए मोर देन वन पाथ इज पॉसिबल। जैसे एक ये पाथ हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया, तीसरा पाथ ये हो गया, मीन्स एन नंबर ऑफ पाथ्स आर पॉसिबल। कि मुझे एक चीज प्रोसेस को करवाना है तो उसमें इतने सारे पाथ पॉसिबल हैं। तो इसमें लॉ कॉन्स्टेंट हीट का क्या काम, इसकी ज़रूरत ये है कि सपोज कोई पाथ था ए टू बी डायरेक्ट पाथ, उसकी हीट जो एंथैल्पी चेंज था वो था डेल्टा एच। अब मैं सी से होता हुआ बी में जाऊंगा, तो मान लो ए से सी में जो हीट चेंज है वो डेल्टा एच वन है और सी से बी में जो है दैट इज़ डेल्टा एच टू। तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि मैं किसी भी पाथ से जाऊँ, बीट पाथ नंबर वन टू और थ्री, नेट हीट चेंज रिमेन्स सेम। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन मतलब कि ए से लेकर बी के बी तक पहुँचने में जो भी हीट चेंज होगा, टोटल हीट चेंज दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कैसे, इसमें क्या था डेल्टा एच था पाथ नंबर वन में, और यहाँ पे क्या है पाथ नंबर टू से जाऊँगा तो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टोटल हीट चेंज क्या होता है, उस पाथ में जितने भी प्रोसेस पड़ रहे हैं सबका समेशन, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी कि पाथ नंबर वन में जितना टोटल चेंज है और वो और पाथ नंबर टू में जितना टोटल चेंज है, दे बोथ आर इक्वल। सिमिलरली इसके लिए यहाँ पे मान लो डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर एंड डेल्टा एच फाइव, तो टोटल हीट चेंज कितना हो जाएगा इसका, टोटल हीट चेंज हो जाएगा डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लॉ के हिसाब से ये हुआ कि पाथ नंबर वन, पाथ नंबर टू एंड पाथ नंबर थ्री, इन तीनों पाथ्स में एनर्जी का जो चेंज है, एनर्जी से लेके अगर हमें इसे स्पेसिफिकली कहें तो हीट का जो चेंज है, जो टोटल हीट चेंज है दैट इज कॉन्स्टेंट। डेल्टा एच जो एक पाथ में था, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू जो दूसरे पाथ में था, और डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव जो तीसरे पाथ में था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट से लेकर अगर दूसरे पॉइंट तक मैं जाता हूँ तो टोटल हीट चेंज सेम रहता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बना सकते हैं हम। ये मान लो ये पोजीशन ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अगर मैं कुछ इस टाइप से जाऊँ, कोई भी ग्राफ है, मान लो पी वर्सेस बी प्लॉट है मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो एक सीधा सा पाथ था ए से लेकर बी तक, तो ये पाथ नंबर वन था। ए से अगर सी गए फिर बी गए तो ये पाथ नंबर टू हुआ। डी गए पहले फिर ई गए और फिर फाइनली बी आए, डी ई, तो ये पाथ नंबर थ्री हुआ। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट हुआ कि एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। तो इनमें चेंज क्या, सेम चीज़ क्या है कि किसी भी पाथ से जाऊँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टोटल हीट चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा मैं किसी भी पाथ से जाऊँ। तो एक किस टाइप की चीज़ हुई, ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज़ हुई, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं किसी भी तरह से जिग-जैग फॉर्म में इंक्रीज करूँ, जैसे कि एक ब्लॉक पड़ा है उसको फ्लोर से मैं इंक्रीज करूँ इस रेट से, मतलब उसकी हाइट बढ़ाऊँ किसी भी वे में, तो उसकी चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी जब तक उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। तो सेम चीज़ यहाँ पे, फाइनल पॉइंट्स और इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, डेल्टा एच कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है।
तो जैसे हमने लॉ